नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आयुर्वेद ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपका परिचय करवाने जा रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक औषधि वात गजांकुश रस के साथ। दोस्तों, यह वात गजांकुश रस जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका गुण भी है। लगभग समस्त वात रोगों पर यह अंकुश का सा कार्य करता है। जिस तरह अंकुश के द्वारा हाथी कंट्रोल हो जाता है, उसी तरह वात गजांकुश रस के प्रयोग से सभी वात रोग नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, हम बहुत ही लंबे समय से वात रोगों की चिकित्सा कर लोगों को आरोग्य लाभ प्रदान कर रहे हैं तथा दोस्तों, यह वात गजांकुश रस समस्त प्रकार के वात कफज रोगों में से पीड़ित जो व्यक्ति हैं उनके लिए रामबाण कार्य करता है। यह वात गजांकुश रस आपके साइटिका, ग्रदसी नाड़ी तथा वात कफ द्वारा उत्पन्न गठिया की सूजन, घुटनों तथा जॉइंट्स पेन में जो चुभन और दर्द युक्त जो वेग से पीड़ा होती है उसके शमन के लिए यह वात गजांकुश रस बहुत ही सुंदर कार्य करता है। दोस्तों, इस वात गजांकुश रस के घटक द्रव्य इस प्रकार हैं। इसमें पारद भस्म, लौह भस्म, स्वर्णवाक्षिक भस्म, शुद्ध गंधक, शुद्ध हरताल, हर्रे, काकड़ा सिंगी, शुद्ध वच्छनाग, सौंठ, मिर्च, पीपल, अरनी की जड़ की छाल, सुहागा प्रत्येक समान भाग इसमें डाला जाता है। दोस्तों, इसके प्रयोग में एक सावधानी है कि जिनकी तासीर गर्म है, जिन्हें घबराहट तथा बेचैनी रहती है, ऐसे रोगियों को इसकी एक गोली की आधी मात्रा सुबह और आधी मात्रा शाम को भोजन के पश्चात प्रवाल पिष्टी तथा शहद के साथ सेवन करवाएं, क्योंकि प्रवाल पिष्टी शीतल औषधि है तथा कैल्शियम का योग है, तो शीतल औषधि के साथ यह ज़्यादा उग्रता नहीं दिखाती है। प्रवाल पिष्टी 250 मिलीग्राम के साथ आप इसकी आधी गोली को घोटकर और शहद में मिलाकर चटाएं तथा ऊपर से 10 मूला रिष्ट पिलाएं, तो यह ऐसे कमज़ोर रोगी जो अत्यधिक गर्मी सहन नहीं कर पाते हैं तथा जिन्हें घबराहट रहती है उनको ज़्यादा उग्रता नहीं दिखाएगी, और जो रोगी बलयुक्त हैं, जिनका शरीर एकदम सही और पुष्ट है, उनके लिए आप इसकी एक गोली पूरी ले लें और साथ में प्रवाल पिष्टी और शहद के साथ इसे चटाकर ऊपर से 10 मूला रिष्ट अथवा महारासनादि काढ़ा पिलावें, तो यह जो घुटनों का दर्द है, जॉइंट्स की सूजन है उनमें, और साइटिका जिसे आयुर्वेद में ग्रदसी नाड़ी कहते हैं, उसके लिए तो यह बहुत ही रामबाण कार्य करेगी। उसके साथ साथ ये मन्ना स्तंभ, उरु स्तंभ, हनु स्तंभ और पक्षाघात पैरालिसिस होने में यह बहुत ही अच्छा लाभ दिखाती है तथा रक्त के संचार में वृद्धि करती है। तो दोस्तों, पैरालिसिस होने पर मंजीठ के क्वाथ में पीपल चूर्ण मिलाकर रासनादि काढ़े के साथ इसका प्रयोग करवाएं, और जिन्हें साइटिका में बहुत ज़्यादा दर्द चुभन है, जो ढंग से चल फिर नहीं सकते, जिन्हें अस्थायी विकलांगता से उत्पन्न हो गई है, तो उसके लिए आप इस वात गजांकुश रस का प्रयोग अवश्य ही करवाएं। इसके बारे में विद्वानों ने शास्त्र में लिखा है कि सप्ताहाद ग्रदसीम हंतिम दारुणम सन्निपातकम, अर्थात यह रसायन दारुण सन्निपातज ग्रदसी को भी 7 दिन में ही नष्ट कर देती है। इस रसायन की उत्तमता इससे ज्ञात हो जाती है कि यह ओष्ठु शीर्षक अववाहुक जैसे हनु स्तंभ पक्षाघात जैसे रोगों को जड़ से खत्म कर देता है। दोस्तों, यह बहुत ही रामबाण औषधि है ऐसी लोगों के लिए जो मेदस्वी हैं, जिन पर चर्बी छाई हुई है, तो यह साथ में मेदो रोग को भी नष्ट करता है, वात विकारों को तो यह नष्ट करता ही है। आप देख रहे हैं कि इसकी ये छोटे छोटे 125 mg के लगभग ये गोलियां हैं,
तो पुराने समय में रोग बहुत ही बलवान और शरीर से पुष्ट रहते थे, तो उस समय इसकी एक पूरी गोली ऐसे रोगियों को दी जाती थी। वर्तमान समय में मनुष्य की क्षमता घट गई है, शरीर भी कमज़ोर है, तो उन्हें आधी गोली प्रयोग करवाएं और अगर शरीर से सबल है तो उन्हें एक गोली प्रयोग करवाएं। दोस्तों, आज की हमारी जानकारी आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट कर बताएं। और दोस्तों, हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।